और बीजेपी के तेवर क्या हैं, ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से, बीजेपी के इस प्रदर्शन से। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, जरा दिखाइए तस्वीरें और बात कीजिए यहां मौजूद बीजेपी नेताओं से, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल रुमाना, देखिए सदन की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है। मैं सबसे पहले आपको वो स्टेज दिखा दूं, एक प्लेटफॉर्म जो है वो बीजेपी की तरफ से जहां पर लगाया गया है, और इसमें तमाम बीजेपी के जो पार्षद हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जिलों के महामंत्री हैं, वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और इसी स्टेज से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो है आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, पार्षद हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो हमारे साथ हैं। सचदेवा जी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सीधी सी मांग है कि अरविंद केजरीवाल और उसके गुंडे सदन में गुंडागर्दी करना बंद करें, शांति से चुनाव होने दें, दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिलने दें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कल वो अपनी चेयर से भी नहीं उठे, वो कुर्सी पे बैठे रहे, उनके यही मकसद था कि मेयर का जो चुनाव है वो हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी के लोगों ने हंगामा मचाया। कल भी उन्होंने पूरा हंगामा किया, उल्टा हमारे पार्षद उनके हाथ जोड़ रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ते फोटो छपी है, हाथ जोड़ रहे थे कि चुनाव होने दीजिए, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, इसलिए अपराधियों को भी सदन में लेके बैठे हुए थे। क्या वजह है कि एक महीने के अंदर तीसरी बार ये मेयर का चुनाव होना था लेकिन मेयर का चुनाव हो नहीं पाया? मैं आपको सच में वजह बताऊं, सिर्फ एक ही वजह है, आम आदमी पार्टी, उसके गुंडे, उनका डर, जो उनके निगम पार्षदों में तोड़फोड़ है उसका डर है उन्हें, उनके आपस में डिवीजन है, उस डर की वजह से वो चुनाव नहीं होने। लेकिन हंगामा जैसा कि देखने को मिला एक महीने के अंदर, हंगामा जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी दोनों पार्टियों की तरफ से जो वो तीनों बार जब जब मेयर का चुनाव हुआ, तीनों बार जो है दोनों तरफ से हंगामा देखा। देखिए अगर वो बदतमीजी करेंगे उनको रोकना हमारा काम है, अगर हमारे रोकने को हंगामा कह रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अब आम आदमी पार्टी तो अब कोर्ट जाने की भी बात कह रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात कह रही है, ऐसे में आप लोग क्या रुक? उसके लिए वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, वो कहीं भी जा सकते हैं, जहां उनको जाना जाए जाए। नेता प्रतिपक्ष गोयल साहब भी, भिदोड़ी साहब भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से आप लोग जो है मेयर का चुनाव जो है एक महीने के अंदर नहीं हो पाया, तीन बार जो है वो सदन में बैठक हुई लेकिन उसके बावजूद नहीं चुन पाए? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूं कि वो अपनी पार्टी के पार्षदों को, विधायकों को डायरेक्शन दें कि हाउस में आम आदमी पार्टी के पार्षद विधायक गुंडागर्दी करना बंद करें। उनके पार्षदों ने, उनके विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के ऊपर हमला किया है, टेबल तोड़ी गई है, माइक तोड़े गए हैं, मारपीट उनके द्वारा की गई है, अनेक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद घायल हुए हैं, ओथ नहीं लेने दी जा रही है, चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, और पीठासीन अधिकारी जो भी डायरेक्शन उनके द्वारा दी जाती है उस पर आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक उसी पीठासीन अधिकारी पर को भी लेकर के बवाल है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो बीजेपी के पक्ष में बातें बोल रही है। आप मुझे बताइए, यदि पीठासीन अधिकारी ये कह रही है कि मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाए, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव कराया जाए, और साथ में ये भी कह रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं, जो इस सदन के मेंबर हैं, जी, उनको भी वोट देने का अधिकार है। जी, तो रोमाना देखिए आप साफ तौर पे किस तरीके का बवाल जो है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक कूच भी करेंगे, लेकिन जरूरी बात जो है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मार्च तक जो मेयर का कार्यकाल है, ऐसे में लगता नहीं है कि इस बार जो है दिल्ली को जो है वो मेयर मिल पाएगा। तो लेकिन फिलहाल जो है वो बीजेपी के कुल मिलाकर इस वक्त ये जो तस्वीर सामने देखने के लिए मिल रही है, वार पलटवार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली को मेयर का इंतजार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।